हम इस समय खड़े हैं लोकसभा श्रावस्ती के सिरसिया इलाके में। आप देख रहे हैं कि मतदान मतदाता लोग कम हो गए हैं, इससे मतदान करने के लिए पुनः वापस आने लगे हैं। हम यहाँ पे भी मतदाताओं की कमी नहीं, आप पीछे विजुअल देख सकते हैं, तमाम मतदाता लाइन में लग करके अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो दिव्यांग मतदाता है वो भी किसी तरीके से रोज कम हुए, इसके बाद मतदान करने के लिए आए। यहाँ पे कुछ मतदाता भी उनसे जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात की, और लोगों का राय भी जानेंगे किस तरीके से उन्होंने बात की है और किन क्या मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया। हमारे साथ एक दिव्यांग मतदाता है जो किसी तरीके से पैदल जा करके अपना मतदान का प्रयोग करके आए। आपने वोट डाला? जी सर डाला। क्या मुद्दे थे आपको, आपके जहन में कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर आपने वोट दिया है? सर बहुत बहुत मुद्दा था, देश के विकास के लिए। कैसा लग रहा है आपको वोट डाल के आए? अच्छा लग रहा है। हमारे साथ ही युवा भी हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश। आपने वोट किया? यस। किस मुद्दे पर लेकर आपने वोट किया? हमने शिक्षा के मुद्दे पर वोट किया है और देश के विकास के मुद्दे पर वोट किया है। मतलब हमने जाति धर्म ऐसा कुछ देख कर वोट नहीं किया। क्या लग रहा है आप वोट डाल के आए? पहली बार आप वोट किए? नहीं नहीं, पहली बार हमारा वोट। क्या लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आपने वोट करके आए हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपने वोट दिया उससे आप संतुष्ट लग रहे हैं? आपका मन में कोई विचार तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, विचार नहीं है। हम सभी से अपील करते हैं कि जितने भी हमारे युवा साथी हो जाके वोट करें। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम पंडाल लगे हुए हैं जो मतदाताओं के लुभाने के लिए है कि वो आए अपना मतदान करें। इसके साथ ही यहाँ एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, उसमें भी दिखाया गया है कि जो मतदान करके आए वो सेल्फी अपना लेकर सोशल मीडिया पर वायरल सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, जिसकी वजह से लोग प्रभावित होकर अपना मतदान अधिक से अधिक संख्या में आके करें। सभी सम्मानित लोकसभा क्षेत्र 58 श्रावस्ती के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं उनसे सिर्फ एक बात निवेदन कर रहा हूं कि राष्ट्रहित में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने अपने घरों से निकलें, पहले मतदान फिर जलपान, और राष्ट्रहित में अपने मतों का 100% पोलिंग करवाएँ और राष्ट्र के विकास में भागीदारी में अपना योगदान सुनिश्चित करें। किस मुद्दे पर आपने वोट किया? मैंने विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वोट अपना मतदान किया है। आप लोग जो नहीं वोट दिए हैं वो अभी निकल के वोट मतदान करें, सब लोग यही राष्ट्र के लिए वोट आप लोग समर्पित करें। ये बताइए आप लोग वोट करके आ रहे हैं क्या? अभी कहाँ, क्यों? मशीन में कुछ दिक्कत है बता रहे। मशीन में दिक्कत है? किस बूथ पे? ये 50 में। 50 में तो वोट नहीं डाला आपने? अभी नहीं। आलिया, ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है मतदान नहीं कर पा रहे? वोट नहीं पड़ा था। क्या समस्या आ रही है? यही समस्या हर साल पड़ा था, ऐसा काहे नहीं पड़ा थी। सुबह से आए हैं, जब से खड़े खड़े नाम हेराओ थे, परेशान है, इनका तो नाम ही नहीं है। सबियलों के पास गई थी? हाँ, सबके पास गए थे। अच्छा, पहले चुनाव हुआ होगा तब आपने मतदान? सब रहा तब तब वो वोट पड़ा है मार। किसी से शिकायत किया? सबसे किया, कोई कहता है ये नहीं नाम है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, घर लौट जाएंगे और क्या करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम फातिमा है। क्या समस्या आ रही है, क्यों मतदान नहीं कर पा रही है? अब यही है कि हर साल वोट डालते थे, अब किसी पर्ची नहीं मिल रही है, सुबह से हेरते हैं, पर्ची मिल ही नहीं रहे हैं। ये लोग के पास गई थी? हाँ, सब जगह गए थे हेरे। क्या कह रहे हैं, नाम नहीं मिल रहा है। अच्छा, इससे पहले डाला था आपने मतदान? हाँ, हमने डाला था वोट।
बात की है, फिर भी देख रहे हैं किस तरीके से लोग आते हैं। अब चूंकि धूप बहुत ज़्यादा थी तो कम हुई है, इस वजह से फिर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए अपने जो नज़दीकी मतदान केंद्र है वहाँ पर जा रहे हैं मतदान करने के लिए। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं शाम तक के किस तरीके का परिणाम आता है। अभी जिले में लगभग 46% के आसपास मतदान हो चुके हैं, इसके साथ ही और भी मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं, तो शाम 7 बजे तक मतदाता मतदान करेंगे। इसके बाद भी वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी और भी देखना होगा कि आगे क्या चीज़ें उभर के आती हैं और जनपसरा बस्ती का विकास क्षेत्र में या जो जनता है इनके क्षेत्र में किस तरीके किस मुद्दों को लेकर वोट करेगी, वो भी आने वाले रिजल्ट में ही पता चलेगा। वीडियो जलेश अतुल के साथ सूर्यप्रकाश शुक्ला, न्यूज़ ऑल इंडिया, श्रावस्ती।